जा पंछी अकेला है, एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा जिन्होंने पर्दे पर आते ही लगातार 6 सुपरहिट फिल्में देकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। उन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी ऐसी पहचान बनाई कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं, लेकिन शायद कम ही लोगों को पता है कि उन्होंने उस दौर के एवरग्रीन अभिनेता के साथ शादी करने के बाद हमेशा के लिए फिल्मों को अलविदा कह दिया। तो कौन थी ये अदाकारा जो आज एक गुमनामी भरा जीवन गुजार रही हैं, और क्यों इन्होंने अपने प्यार की खातिर अपने उभरते हुए फिल्मी करियर को कुर्बान कर दिया था, और भी बहुत कुछ जानने के लिए कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम बात कर रहे हैं 50 के दशक की ब्यूटी क्वीन कल्पना कार्तिक की, जो एक फिल्म निर्माता के रूप में भी जानी जाती हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1931 को पंजाब प्रांत के लाहौर में एक पंजाबी ईसाई परिवार में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। माता पिता ने इनका नाम मीना सिंघा रखा। इनके पिता गुरदासपुर जिले के बटाला में एक तहसीलदार थे। 7 भाई बहनों में कल्पना कार्तिक सबसे छोटी थी। साल 1947 में बंटवारे के बाद इनका परिवार शिमला आकर रहने लगा। इन्होंने सेंट बेडेज कॉलेज शिमला से अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया। वे बहुत खूबसूरत थी, इसलिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान ही इन्हें ब्यूटी क्वीन मिस शिमला चुना गया। उसी दौरान मशहूर अभिनेता देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद, जो उन दिनों बॉलीवुड में जाने माने डायरेक्टर थे, उन्हें मोना का खूबसूरत चेहरा इतना भा गया कि उन्होंने नवकेतन बैनर की फिल्म बाजी में उन्हें काम करने का ऑफर दे दिया। इस तरह से मोना को साल 1951 में आई इस फिल्म में पहली बार अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म के दौरान ही चेतन आनंद ने मोना सिंघा का नाम बदलकर कल्पना कार्तिक कर दिया। देवानंद और कल्पना कार्तिक की यह फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद इन्होंने नवकेतन बैनर की ही फिल्म आंधियां, हम सफर, टैक्सी ड्राइवर। ये मकान तुम्हारा है? अरे अपना मकान कहाँ, छोटा सा किराए का कमरा है। मैंने तो सोचा था तुम बहुत अमीर हो गए, बंगला होगा, नौकर होंगे। ये कैसे सोच लिया तुम? मोटर वाले अमीर होते हैं ना। अरे ये तो टैक्सी है। और 9-2-11 जैसी सुपरहिट फिल्मों में केवल देवानंद साहब के साथ ही अभिनय किया। मास्टर, मैं बम्बई का एक लखपति हूँ। ये तुम्हारा साला है? मैं बम्बई जा रहा हूँ। इस खटारे में मुझे कुछ पेट्रोल चाहिए। तो उधार। साल 1954 में आई फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान कल्पना कार्तिक और देवानंद ने चुपचाप तरीके से शादी कर ली। शादी के बाद कल्पना ने अपने चमकते हुए फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया। पहला बादल, साल 1956 में वे माता पिता बने जब उनके घर एक बेटे सुनील आनंद ने जन्म लिया। सुनील आनंद फिल्मों में अभिनेता भी रहे। चांद जाए सूरज आए लेके ये सवेरा। इन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम देवीना है। आपको ये भी बताते चलें कि कल्पना कार्तिक फिल्मों की एसोसिएट्स निर्माता के रूप में भी जानी जाती हैं। कोई जरूरत नहीं मुझे इस घर में रहने की, कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी हमदर्दी की, मैं भी चली जाती। कहाँ चली जाओगी, परमात्मा के साथ। इन्होंने सह निर्माता के रूप में भी कई फिल्में बनाई। वे फिल्में हैं साल 1963 की तेरे घर के सामने, साल 1970 की फिल्म प्रेम पुजारी, साल 1973 की फिल्म हीरा पन्ना और साल 1976 की फिल्म जाने मन। इनकी ये सभी फिल्में तकरीबन सुपरहिट रही, लेकिन फिल्मों से दूर हो जाने के बाद कल्पना हमेशा लाइमलाइट से दूर रही। अपने पति देवानंद के निधन के बाद ये अपने बेटे सुनील आनंद के साथ मुंबई में ही रहती हैं। कल्पना कार्तिक के बारे में बस इतना ही। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपके पास कल्पना कार्तिक के बारे में कोई और जानकारी हो तो प्लीज हमें शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तुम बिल्कुल फंतूश हो। फंतूश? फंतूश क्या होता है? फंतूश का मतलब है यार, तो तुम क्या जानती हो।